हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। और अभी मैं ऑल इंडिया ट्रैवलिंग के लिए निकला हूँ। और काफ़ी दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे थे, काफ़ी दिनों से लोग कॉल कर करके बोल रहे थे कि भाई तुम ब्लॉग नहीं डाल रहे, वीडियोस डाल नहीं रहे, क्या हो गया क्या नहीं हुआ। सो यार, मैं आपको बता दूँ कि वीडियोस डालने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है, और मतलब बहुत ज़्यादा MB, मतलब बहुत ज़्यादा GB चाहिए होता है। जैसे 12-15 GB एक वीडियो को अपलोड करने के लिए लगता है। तो मेरे पास एक्चुअली रिचार्ज भी नहीं था, ना पैसे थे, पैसे भी सारे ख़त्म हो चुके थे। और मतलब मैंने फिर अभी किसी से पैसे लिए थे, 1,000 रुपये। तो किसी से क्या, किसी अपने से लिए थे पैसे, जिसने मेरी मदद की थी 1,000 रुपये देके। और फिर उससे फिर मैंने अपना रिचार्ज किया। रिचार्ज करने के बाद में फिर एडिट करने की कोशिश की कि चलो, मैंने ब्लॉग तो बना के रखे थे लेकिन एडिट नहीं कर पा रहा था। और एक्चुअली मैं जो ट्रिप कर रहा हूँ वो अभी चंडीगढ़ टू, वैसे तो मैं राजस्थान से आया था लेकिन चंडीगढ़ टू लद्दाख और वैष्णो देवी, बाकी केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, रामेश्वरम है, मुझे हर जगह मतलब पूरा भारत यात्रा ट्रैवल करना है। तो इस वाले ब्लॉग में मैं जाऊंगा लिफ्ट लेके चंडीगढ़ से, और मैं जाऊंगा शिमला के लिए, जहाँ पे मैंने पहले भी, मैंने एक बार अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी, तब भी मैंने वहाँ जाखू टेंपल जाके और दर्शन किए थे। तब मतलब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ था, और उसके बाद भी अभी मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो आशा करूँगा कि मैं सही सलामत वहाँ पहुँच जाऊँ। मतलब मुझे लिफ्ट दी थी चंडीगढ़ से, मैंने लिफ्ट मांगना स्टार्ट किया था, और गगन ने, एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था गगन, तो उसने मुझे वहाँ ड्रॉप किया था। तो उसके बाद से मैंने लिफ्ट ली थी, फर्स्ट लिफ्ट ली थी अपनी लाइफ में, मतलब उसके लिए लंबी ट्रिप मैंने फर्स्ट लिफ्ट ली थी। तो वो मुझे मिल गए थे, एक परिवार मुझे मिल गया था, जो आगे वीडियो में आप देखोगे जिनको मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी चंडीगढ़ से शिमला तक के लिए, और सही सलामत मुझे ड्रॉप कर दिया था। सो गाइस, ब्लॉग को पूरा देखना और लाइक भी करना ब्रदर। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, बिकॉज ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ उम्मीद तो है नहीं, लेकिन बस इतना है कि अगर आप मेरी वीडियोस को देखोगे तो मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट मिलेगा तो इन फ्यूचर मुझे कुछ पैसे आना भी स्टार्ट होंगे, जिससे मैं अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकूँ। बिकॉज बिना पैसे के तो ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। लोग बोलते हैं कि बिना पैसे के ट्रैवल करते हैं लोग, किया जाता है ये वो, लेकिन रियलिटी में बिना पैसे के कभी ट्रैवल नहीं हो सकता। आप विश्वास नहीं करोगे, बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होता है, कभी फंस गए कभी किस चीज़ के लिए, लेकिन कोई ना, आप ये आप आगे ब्लॉग में देखिएगा। तब तक के लिए अभी कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए शिमला, और सर ने हमें लिफ्ट दी थी, मतलब चंडीगढ़ से शिमला तक के लिए एक ही बार में पहुंचा दिया, एक ही बार में रूट कवर हो गया। और अभी हम जा रहे हैं, मतलब आगे ऊपर जा रहे हैं मॉल रोड पे। और यार, आप लोग देख सकते हो, मतलब यहाँ का जो नज़ारा ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत ही खतरनाक है। भाई ये भी बहुत परेशान करते हैं, इनका भी इलाज करो। हाँ जी, कोई ना। सो गाइस, यहाँ से जाता है ऊपर, जो बिल्कुल सामने दिख रहा है ना, वो चर्च है, सबसे ऊपर चोटी पे एक दिख रही होगी बिल्डिंग। और ये कुछ ऐसा नज़ारा है शिमला का, मतलब बाकी ही मैं ही क्या ही बताए। और ये जो रास्ता है ये जा रहा है लिफ्ट है, एक्चुअली यहाँ पे एक लिफ्ट लगी हुई है, पूरे शिमला में एक ही लिफ्ट है यहाँ पे। ले लेंगे। सो गाइस, ये है टिकट काउंटर, और हमारे जो भैया है वो टिकट लेंगे अभी यहाँ से, दिखते हैं। सर जहाँ खुलेगा बाहर एक ना, एक लिफ्ट और इंडिया के लिए। ठीक है, ले लेंगे। सो गाइस, एक लिफ्ट अभी चेंज कर लिया, दूसरी लिफ्ट में बैठना है, दूसरी लिफ्ट और लेंगे, देखते हैं। मैंने भी अब लॉन्ग A few moments later. So guys, ये देख सकते हो, मतलब मैं आया हूँ अभी मॉल रोड पे, और अभी हम लगाएंगे कैंप, आगे निकलते। पहले पहले आपको मैं विजिट करवा देता हूँ, दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ फेमस है और क्या क्या नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस है मॉल रोड, तो आपको तो पता ही है शिमला के अंदर। और अभी निकलते हैं आगे, देखते हैं।
ना ना मेरे भाई, मैं होटल वोटल में नहीं रुकता। और गाइस अभी हम जा रहे हैं चर्च की तरफ, जो शिमला का सबसे पुरानी जगह है। ये देखिए गाइस, मतलब यहाँ पे देख सकते हो, और मार्केट तो बड़ा ही खतरनाक है। मतलब यहाँ का जो मार्केट है ना, बड़ा ही जबरदस्त है। और गाइस ये देखिए, मतलब बाकी इतना वेट उठा के यार, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब मैं कहाँ चल रहा हूँ। और गाइस अभी हम जाएंगे आगे, मतलब पूरा चर्च में जाएंगे। आने के बाद तो मेरी तबीयत ही खराब हो गई पूरी, मतलब बुखार जैसा तो पता नहीं, लेकिन आई थिंक गला खराब हो गया, बहुत ज़्यादा गला खराब हो गया मेरा यहाँ आने के बाद। और अभी जाएंगे हम ऊपर मॉल रोड पे, बाकी मॉल रोड से स्टार्ट करना है, मतलब सॉरी मॉल रोड भी नहीं, मतलब ऊपर जाएंगे कहाँ पर, हाँ चर्च के पास, और वहाँ के दिखाते हैं हम, ब्लॉग वगैरह बनाएंगे, बाकी पूरी सारी वीडियो दिखाएंगे उधर की। बाकी बने रहिए तब तक। और ये जो रास्ता है, ये आई थिंक उधर अंदर भी एक मार्केट है, तो सो यार इतनी ज़्यादा चढ़ाई चढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है, और वो भी इतना वेट लेके, आई थिंक ज़्यादा नहीं तो 30-40 किलो के समथिंग होगा वेट। मतलब बहुत ज़्यादा कैरी किया हुआ है मैंने कैंपिंग का सामान, क्योंकि बिकॉज मुझे पूरा ऑल इंडिया ट्रैवल करना है, तो उसके लिए आपको पता ही है कि मतलब सामान रखना ज़रूरी भी है, कभी कब कौन सी जगह फंस जाए कोई पता नहीं है। और ये देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। अच्छा, इधर है, इधर चर्च है सामने, मतलब यहाँ की सबसे फेमस जगह है ये, सबसे ठीक ठाक है। और मैं आपको एक जगह दिखा के लेके आता हूँ, आई थिंक अगर दिन में आएंगे मतलब गाइस अगर दिन में आएंगे ना तो मतलब यार गाइस अगर यहाँ पे दिन में आएंगे ना तो इतना जबरदस्त नज़ारा दिखेगा ना यहाँ से, इस जगह से मतलब इतना सुंदर नज़ारा दिखेगा ना पूरे शिमला का, मतलब शिमला नहीं इधर संजौली वगैरह का, बहुत ख़तरनाक दिखने वाला है इधर। बाकी मैं दिखाता हूँ आपको। और ये इंदिरा गांधी की स्टेचू अभी बन गया है यहाँ पे एक साल के अंदर अंदर, बिकॉज पहले जब मैं आया था तब ये नहीं था। और ये देखिए गाइस, पैसा मतलब मतलब यार देखिए लाइटिंग वगैरह पूरा, मतलब शिमला कितना खतरनाक दिख रहा है यार यहाँ से, इसका जो नज़ारा है काफ़ी ठीक है। और यहाँ पे देखो ट्रेडिशनल फ़ोटो वगैरह अगर शूट करवाते हैं तो उसके लिए ये लोग चार्जेस पे करते हैं, मतलब कम ही करते, ज़्यादा तो नहीं करते, लेकिन काफ़ी जो पूरा ट्रेडिशनल होता है ना शिमला का, वो लोग आता है इस वाली ड्रेस में। ये देखिए थोड़ा सीन आगे का तो बड़ा ही ज़बरदस्त नज़ारा है। ये देखिए गाइस, हाय हाय पैसा यार, पूरा जन्नत जैसा फील हो रहा है, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, मुझे जन्नत जैसा लग रहा है पूरा। और यहाँ पर कुछ काम चला हुआ है, आई थिंक यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था तो नीचे काम चला हुआ है, मतलब लैंडस्लाइड मतलब आप समझ ही गए होंगे कि पहाड़ वगैरह ढह जाते हैं नीचे, तो
उसी के लिए। बाकी आगे दिखाते हैं। अरे गाइस मन तो नहीं कर रहा नीचे जाने का, लेकिन कोई ना देख के आते एक बार, नीचे जाके आते। सोचा था कि हमें प्रतिभा होस्ट करेगी, लेकिन प्रतिभा एक्चुअली अभी उनके घर होंगी तो इसीलिए नहीं कर पाएगी वो होस्ट। आई थिंक मैंने कॉल भी नहीं किया प्रतिभा को कि प्रतिभा मुझे होस्ट कर दो, तो कोई ना अभी मैं करूँगा कॉल। वैसे पूछता हूँ प्रतिभा से, मन तो कर रहा है कि कॉल करके पूछ लेता हूँ एक बार। चलो करते ट्राई। सो गाइस मैंने अभी जस्ट अभी कॉल तो किया था प्रतिभा को, और प्रतिभा से मैंने कॉल करके बात की थी, लेकिन प्रतिभा का एक्चुअली मतलब शिमला से मतलब शिमला में रहती है रहने को, लेकिन उनका एक घंटे का पूरा एक डेढ़ घंटे का रास्ता है उनके घर का। तो यार मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा रात को, मतलब उन्होंने बोला कि आ तो जाऊँगी, लेकिन है ना फिर मुझे रात को फिर लेट हो जाएगा, तो फिर मैं कि नहीं कोई ना चलो हम फिर सुबह मिलते हैं, सुबह जाएंगे हम, मतलब सुबह उसके लिए जाएंगे क्या बोलते हैं उधर झाकू टेम्पल देखने के लिए। ये देखिए गाइस मतलब कितना ही यार ऑल ट्रेडिशनल है पूरा, जो मतलब उसके ज़माने का, अंग्रेज़ों के ज़माने का। नीचे भी काफ़ी अच्छा है, नीचे भी है कुछ मतलब कुछ तो क्या, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। ये देखिए शिमला का नज़ारा यार। और ये देखिए यहाँ पे लोग फोटोज़ खिंचवा, सिर्फ फ़ोटो शूट करवाने के लिए इधर आते लोग। मतलब यार आना भी चाहिए, इतने गजब मतलब इतनी अच्छी लाइटिंग है, इतना अच्छा डिज़ाइन है बाकी पूरा, मतलब पूरा जैसे उसका है फॉरनर्स वगैरह अंग्रेज़ों के ज़माने का सारी ये बिल्डिंगें बनी हुई। और ये देख सकते हो आगे भी, आगे भी बहुत कुछ है दिखाने के लिए। अभी थोड़ा आगे बने रहिए ब्लॉग में, आगे चलते हैं। यहाँ कुछ झगड़ा चल रहा है। वो देखिए फोटो खिंचवाने के लिए कैसे झगड़ा कर रहे हैं लोग, बड़ा ही खतरनाक है सीन यार। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच, रुको रुको वेट लो अब स्टार्ट करो। सो गाइस फाइनली मुझे लोकेशन मिल गई, मैं काफी देर से तलाश कर रहा था लोकेशन की, मैं कहाँ टेंट लगाऊं जहाँ पे मुझे कोई परेशानी ना खड़ी हो। और मतलब बहुत अच्छी लोकेशन मिली है, मैं यहाँ कॉर्नर में हूँ टेंट लगाने वाला हूँ, यहाँ से पूरा व्यू देखेगा सारा, मतलब शिमला का जो मेन जो लोकेशन है ना मॉल रोड पे जहाँ चर्च है, तो वहाँ की सारी लोकेशन देखेगा। यहाँ से सीधा दिख रही है हनुमान जी की मूर्ति ऊपर जो पहाड़ पे लगी हुई है, और वहाँ मैं कल लेके जाऊँगा आपको सुबह। और अभी करते स्टार्ट टेंट लगाते।
भाई, आप भी आना राजस्थान का भी घुमाएंगे सारा राजस्थान। तो सपोर्ट करना भाई को, बस मैं तो इतना ही बोलूंगा। थैंक यू वेरी भाई। और गाइस ये देखिए यहाँ से जो व्यू हो रहा है ना, कसम से सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, मतलब सामने बिल्कुल चर्च दिख रहा है और चर्च के ऊपर हमारे हनुमान जी मतलब जो है वो ऊपर देखो मेरे उंगलियों के सामने है, बिल्कुल हनुमान जी महाराज की जो प्रतिमा है वो ऊपर मतलब सबसे ऊपर हाईएस्ट पर है। और इधर देख